दोस्तों लेटेस्ट रूमर्स के मुताबिक गोल्डबर्ग जल्द ही WWE में रिटर्न कर सकते हैं। असल में 20 में ब्रॉक लेसनर के खिलाफ मैच के बाद गोल्डबर्ग ने WWE छोड़ दिया। फिर जैसा कि आप सभी जानते हैं, गोल्डबर्ग ने 12 साल बाद 2016 में WWE में वापसी की। 2016-17 के बीच उस रंग के दौरान गोल्डबर्ग ने सर्वाइवर सीरीज में ब्रॉक लेसनर को हराया, केविन ओवंस को हराकर फास्ट लेन में यूनिवर्सल चैंपियन बने। फिर रेसलमेनिया 33 में ब्रॉक लेसनर से हार गए। इसके बाद गोल्डबर्ग फैंस को गुड बाय कहने के लिए रॉ पर आए और वह चले गए। अगले साल 2018 में उन्हें WWE हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट किया गया, लेकिन 2019 में गोल्डबर्ग WWE सुपर शो में अंडरटेकर से लड़ने के लिए वापस आए। फिर उसी साल समरस्लैम में उन्होंने डॉल्फ ज़िगलर को हराया। इसके बाद गोल्डबर्ग ने सुपर शो 2020 में द फिएंड को हराकर यूनिवर्सल चैंपियन बने। फिर वह रेसलमेनिया 36 में ब्रॉन स्ट्रोमन से हार गए। फिर 2021 में गोल्डबर्ग का ड्रॉ मैकिनर और बॉबी लैशली के खिलाफ मैचेस हुआ। 2022 में गोल्डबर्ग ने WWE में अपना लास्ट मैच एलिमिनेशन चैंबर में रोमन रेंस के खिलाफ खेला था। हाल ही में एक इंटरव्यू में गोल्डबर्ग ने कहा कि रोमन रेंस के खिलाफ मैच से पहले विंस मैकमहन ने उनसे रिटायरमेंट मैच का प्रॉमिस किया था, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हुआ। अब गोल्डबर्ग को उम्मीद है कि ट्रिपल एच उन्हें एक रिटायरमेंट मैच देंगे। तो दोस्तों, आप इस रूमर के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।